मैं हेमंत विश्वकर्मा सिंह उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपुरी से। आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम की पोयम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर जो कि WB येट्स के द्वारा लिखी गई है के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जिक्र करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द वर्ड्स द फ्यूचर ईयर्स हैड कम सिंबलाइज इन द पोयम। ये जो शब्द है द फ्यूचर ईयर्स हैड कम कि भविष्य के वो वर्ष आ चुके हैं क्या दर्शाता है। आंसर इसका है दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइज ईयर्स इमेजिनेशन अबाउट द कमिंग डेज इन कॉन्टेक्स्ट आप द सिचुएशन प्रीवेलिंग देन। यानी कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन ये जो प्रस्तुतिकरण है ये सिंबलाइज करती है ये दर्शाती है कि जो काल्पनिक वर्ड्स जो है इस टेक्स्ट के अंदर दर्शाए गए हैं जो सिचुएशन के बारे में यहां कवि कह रहा है वो खराब वर्ड्स जिसके बारे में जो कवि यह इमेजिन कर रहा है वो आ चुके हैं उन वर्षों से मतलब है कवि का यहां पर ही फियर्स अबाउट द कमिंग टाइम दैट माइट बी फुल ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। यहां उन वर्षों से कवि का मतलब है कवि कहता है कि मुझे डर है उस समय का जो आ चुका है जो एक वायलेंस भरा होगा एक जो है कहना चाहिए कि एक ब्लडशेड वाला एक खून खराबे वाला और एक वायलेंस से भरा हुआ जो समय है वो आ चुका है। वायलेंस का मतलब होता है क्रांति जैसा या कहना चाहिए नरसंहार जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट आवर मच ब्यूटी Does he want his daughter to possess it? What is the poet's opinion? इस क्वेश्चन के अंदर कवि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि कवि की क्या ओपिनियन है क्या राय है our much beauty पर। our much beauty मतलब अत्यधिक सुंदरता पर। आगे पूछा जा रहा है कि क्या कवि अपनी बेटी के लिए कि उसके पास भी our much beauty होना चाहिए चाहता है ऐसा। आंसर द पोएट वांट्स हिज डॉटर टू बी ब्यूटीफुल बट नॉट दैट मच दैट मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉयड। आंसर में कहा जा रहा है कि पोएट जो है चाहता है कि उसकी जो लड़की है वो सुंदर हो परंतु आगे कह रहा है परंतु बट नॉट दैट मच परंतु वैसी भी नहीं जैसे कि या जिससे कि कोई स्ट्रेंजर्स कोई अजनबी जो है उसकी खूबसूरती में फंस कर और अपने आप को नष्ट कर ले। या कहने का मतलब ये है कि उसकी खूबसूरती ऐसी भी नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई अजनबी व्यक्ति जो है उसके खूबसूरती के जाल में फंस कर और अपने आप को नष्ट कर ले। He feels that our much beauty can disturb and distract her। उसका यह मानना है वो ऐसा महसूस करता है कि अत्यधिक जो सुंदरता होती है वो उसकी लड़की को विचलित कर सकती है उसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है उसके भविष्य को खराब कर सकती है। तीसरा क्वेश्चन जो है व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ हॉर्न ऑफ प्लेंटी। हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब होता है समृद्धता की निशानी। ये जो शब्द है हॉर्न ऑफ प्लेंटी इसके बुरे प्रभाव क्या है। आंसर देखिए हॉर्न ऑफ प्लेंटी सिंबलाइज प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड कॉर्न एंड आर सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो है इस प्रकार का प्रतीक है वो बताते हैं कि प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स
फूलों की सुंदरता का प्रतीक, फलों की सुंदरता का प्रतीक और कॉर्न यानी कि अनाज की सुंदरता का प्रतीक। आगे कह रहे हैं एंड आर सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, और ये सब जो है एक समृद्धता की निशानी मानी जाती है। बट लेडीज हु आर लेडन विद प्रोस्पेरिटी ऑफ ब्यूटी, आगे कवि कह रहे हैं कि वो स्त्रियां जो सुंदरता से लदी हुई होती है, रूइन देयर लाइफ बाय मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस ड्यू टू वैनिटी। वे ऐसी स्त्रियां जो होती है जो सुंदरता से लदी हुई होती है, वे जो है दिखावे में और अपनी गलत चॉइसेस में, चॉइस का मतलब होता है चुनाव करना, जैसे लाइफ पार्टनर का चुनाव करना, ये जो गलत चुनाव कर लेती है या फिर अपने दिखावे में जो है वो अपने जीवन को नष्ट कर लेती है। या कभी कह रहा एज मॉड गोने, जिस प्रकार से इसकी प्रेमिका जो मॉड गोने थी उसने अपनी लाइफ नष्ट कर ली। इधर ही ले लो क्या बात। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटीज ग्रो व्हेन द माइंड इज विदाउट हैट्रेड। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वालिटीज बढ़ती है, कौन से गुणों का विकास होता है जब हमारा मस्तिष्क नफरतों से मुक्त हो जाता है। इफ द सोल इज फ्री फ्रॉम हैट्रेड, नो मिसफॉर्च्यून कैन रूइन द इनोसेंस एंड चेयरफुलनेस। यहां कहा जा रहा है कि यदि हमारी आत्मा जो है वो नफरतों से मुक्त हो जाती है तो कोई भी मिसफॉर्च्यून, कोई भी जो है ऐसा समय जो मिसफॉर्च्यून का जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो, कैन रूइन द इनोसेंस एंड चेयरफुलनेस, वो हमारे मासूमियत को और हमारी खुशियों को नष्ट नहीं कर सकता। His daughter, if not touched by hatred, आगे कवि कह रहे हैं यदि उसकी डॉटर को ये हैट्रेट नाम की जो हैट्रेट नाम की जो प्रॉब्लम है, ये जो कहना चाहिए एक कहना चाहिए कि एक नफरत जो है वो अगर उसकी डॉटर, उसकी अगर पुत्री अगर नफरत से अगर जो है अनछुई रही है, would be capable of enjoying an inner peace, निश्चित रूप से वो अपनी आत्मा की आंतरिक शांति को enjoy करेगी। She would remain always happy even in midst of misfortune, और तब वो हमेशा ही खुश रहेगी चाहे कैसा ही उसका भविष्य हो, कैसे ही उसके भविष्य में आने वाली मुसीबतें हो, वो हर मुसीबत का सामना कर लेगी अगर वो हैट्रेट से मुक्त रही, नफरत से मुक्त रही तो। लास्ट क्वेश्चन जो है सीरीज का, व्हाई डज द पोएट वांट हिज डॉटर टू हैव अ लाइफ ऑफ कस्टम एंड सेरेमनी। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कवि ऐसा क्यों चाहता है कि उसकी जो लड़की है उसकी लाइफ में कस्टम और सेरेमनीज हो। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज और परंपराएं जिसको हम कहते हैं, ये क्यों हो। द पोएट वांट्स हिज डॉटर टू हैव ए लाइफ ऑफ कस्टम एंड सेरेमनी, कवि चाहता है कि उसकी लड़की का जीवन जो है या उसकी लड़की ऐसा जीवन साथी चुने जिसके घर में कस्टम और सेरेमनी हो, यानी कि परंपराएं और रीति रिवाज से परिपूर्ण हो उसका घर। He prays that, वो ऐसी प्रार्थना करता है कि his daughter may be married in a good aristocratic family, वो अपनी बेटी के लिए ऐसी प्रार्थना करता है कि उसकी लड़की की शादी एक aristocratic family में हो, एक कुलीन परिवार में हो। He thinks so because वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि ट्रेडिशन ऑलवेज फॉलोज हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज, कि परंपराएं जो होती है वो परंपराएं जहां होती है वहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है। कहने का मतलब जहां
जिस परिवार में सभी परंपराएं, सभी कस्टम्स, सभी जो सेरेमनीज होती है, वो परिवार निश्चित रूप से एक हाई स्पिरिचुअल वैल्यू रखता है, अर्थात उच्च जो है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है यहाँ पर, कहने का मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले वाला, अर्थात ऐसा परिवार जो है धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा। देयर इज नो प्लेस फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड देयर। और तब ऐसे स्थान पर कोई घमंड, कोई नफरत नहीं होगी। अर्थात कभी यह चाहता है कि जहां जहां उसकी लड़की की शादी हो, वो जो परिवार है वहां पर कस्टम और सेरेमनी हो, ताकि जो है ऐसे ऐसी जगह पर जहां पर कस्टम और सेरेमनीज होती है, ऐसे परिवार हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज वाले होते हैं और वहां पर एरोगेंस और हेट्रेड के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में डाल देंगे। थैंक यू।